शाहरुख खान की 7 ऐसी मूवीज जो कि आने वाले समय में कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगी। नंबर 7, डॉन 3। डॉन 3 फिल्म डॉन सीरीज का तीसरा पार्ट होने वाली है। दोनों डॉन मूवीज को पब्लिक की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था और उन्हें शाहरुख खान के डॉन वाला किरदार काफी ज्यादा पसंद आया था और उसके बाद भी लोग डॉन 3 का बड़ी ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। डॉन 2006 में आई थी और डॉन 2 2011 में आई थी। इसका तीसरा पार्ट बॉलीवुड की तरफ से आने वाली काफी बड़ी क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है और इसके प्लान पर काम काफी तेजी से चल रहा है। डॉन 3 में लीड रोल में आपको शाहरुख खान तो देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन अब शाहरुख खान के साथ आपको ओरिजिनल डॉन यानी कि अमिताभ बच्चन भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन डॉन के रोल में नजर आएंगे तो यकीन मानिए मजा आ जाएगा। और इसका तीसरा पार्ट बॉलीवुड की तरफ से आने वाला काफी बड़ा क्राइम थ्रिलर सस्पेंस होने वाला है और इसके प्लान पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, स्टोरी बनाई जा रही है। डॉन 3 में मेन लीड रोल में आपको शाहरुख खान देखने को मिलने वाले हैं और ओरिजिनल बच्चन तो दिखाई देंगे तो फिर मजा दोगुना हो जाएगा। और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन डॉन के रोल में कहर ढाने वाले हैं। डॉन 3 मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं फरहान अख्तर, जो कि अभी इस फिल्म की कहानी को लिख रहे हैं और वो कहानी को थोड़े समय में ही पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 2024 से शुरू होगी तो आपको ये फिल्म 2025 तक देखने को मिल जाएगी। नंबर 6, SRK 66। ये फिल्म शाहरुख खान के करियर की 66 होने वाली है। जी हाँ, जिसका कारण है इसका नाम, क्योंकि ये है SRK 66। खबरों के अनुसार ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म हो सकती है जिसमें शाहरुख खान आपको पहली बार एक लॉयर के रोल में दिखाई देंगे और खबरों की माने तो इस मूवी में शाहरुख खान एक नहीं बल्कि मल्टीपल कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि भुवन बाम अपने YouTube में करते हैं। नंबर 5, YRF की अनटाइटल फिल्म। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पठान मूवी से YRF ने अपने स्पाई मूवी फ्रेंचाइजी का जो एक वर्ल्ड है उसके बारे में तो आपको बता ही दिया है। पठान मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि सलमान खान का कैमियो, जिसे देख पब्लिक पागल हो गई थी, और इसीलिए अब YRF शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ लेकर मूवी बनाने वाले हैं जिसमें दोनों को ही बराबर स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक ही फिल्म में अब आपको सलमान खान और शाहरुख खान नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण भी देखने को मिल सकते हैं और ये फिल्म बॉलीवुड से आने वाली एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है जो कि बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा कर रख देगी। और इस फिल्म के लेखक आदित्य चोपड़ा है जो मूवी को प्रोड्यूस भी करने वाले हैं और खबरों की माने तो इस फिल्म की स्टोरी अब तक पूरी तरह से हो चुकी है रेडी और अब इसकी शूटिंग 24 यानी कि 2024 में शुरू होने वाली है, जिसका मतलब साफ है कि ये मूवी भी आपको 2025 में देखने को मिलने वाली है। नंबर 4, वानरास्त्र। वानरास्त्र फिल्म देखने को मिलने वाली है जिसका खुलासा खुद ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र में छोटा सा कैमियो शाहरुख खान ने भी किया था जिसमें वो साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 चलने की सबसे बड़ी वजह थी शाहरुख खान का छोटा सा कैमियो। कई लोग तो सिर्फ SRK का कैमियो देखने के लिए ही पूरी की पूरी मूवी देखने चले गए थे। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र में जितना कैरेक्टर रणवीर कपूर का फेमस नहीं हुआ था ना, उतना शाहरुख खान का हो गया था और सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा काफी ज्यादा हुई थी, इसीलिए अब आपको वानरास्त्र के ऊपर भी एक फिल्म देखने को मिल सकती है। जी हाँ, आपको बता दें जिसमें दिखाया जाएगा कि शाहरुख खान के पास में वानर अस्त्र कैसे आता है और उन्होंने उससे क्या क्या किया है और कैसे किया है। इसमें भी डायरेक्टर होने वाले हैं अयान मुखर्जी और ये मूवी भी आपको 2025 तक देखने को मिलने वाली है। नंबर 3, पठान 2। जी हाँ दोस्तों, पठान 2 मूवी हाल ही में आई पठान का सीक्वल होने वाली है और इसके कंफर्मेशन खुद फिल्म के डायरेक्टर से मिल चुकी है। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने भी अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ बता दिया है कि पठान 2 जरूर आएगी और पठान मूवी के कलेक्शन को देखकर पार्ट 2 क्यों नहीं बनाया जाए, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। पठान 2 पठान मूवी से और भी ज्यादा बेस्ट बनाई जाएगी, ये बात तो पक्की है और इसमें आपको पठान से अच्छे एक्शन देखने को मिलने वाले हैं और इसे हॉलीवुड मूवी के लेवल पे बनाया जाएगा। पठान 2 में लीड रोल में एक बार फिर से आपको शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को भी आप 2025 से पहले नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले स्पाई यूनिवर्स की एक और फिल्म भी आपको देखने को मिलने वाली है जिस पर शाहरुख खान काम करेंगे। नंबर 2, डंकी। डंकी फिल्म शाहरुख खान का ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है और शाहरुख खान हमेशा से राजू हिरानी के साथ में काम करना चाहते थे। डंकी फिल्म एक सोशल ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें हमें बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी। फिर फिल्म के एंड में एक सोशल मैसेज देखने को मिलने वाला है, जैसा हमें राजू हिरानी की फिल्मों में देखने को मिलता ही है जिसमें वो मास्टर है, इसमें मैं क्या ही कहूँ। खैर, राजू हिरानी कितने बेहतरीन डायरेक्टर हैं ये तो हम सभी जानते हैं और शाहरुख खान हमेशा से राजू हिरानी के साथ में काम करना चाहते थे। डंकी फिल्म एक सोसाइटी में ड्रामा फिल्म होने वाली है। डंकी फिल्म के पहले राजकुमार हिरानी ने PK, 3 Idiots और मुन्ना भाई MBBS जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं और राजकुमार हिरानी की इस मूवी में शाहरुख खान के साथ साथ तापसी पन्नू भी
मूवी देखने को मिलने वाली है। शाहरुख खान एक सरदार के रोल में दिखाई देने वाले हैं और इसमें स्टोरी होने वाली है डंकी के ऊपर। अब आपको बता दें, डंकी का मतलब होता है कि आप किसी और देश में जाते हैं, वो भी इलीगल तरीके से। बस इसी का इस्तेमाल करके शाहरुख खान कनाडा जाना चाहते हैं और जिसमें उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी होगी उनके लिए, लेकिन हमारे लिए तो कॉमेडी होने वाली ना, हम तो एंजॉय करने वाले। बाय द वे, शाहरुख खान कितने बेहतरीन कॉमेडी करते हैं वो तो आपने चेन्नई एक्सप्रेस में देख ही लिया होगा। और ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। नंबर 1, जवान। इस साल के एंड में आने वाली है फिल्म जवान, जो कि काफी बिग बजट की फिल्म है। और जवान फिल्म काफी मजेदार होने वाली है, जो पठान के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जवान एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि पूरे देश में चलने वाली है। और इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं साउथ के फेमस डायरेक्टर एटली कुमार। वो एक्शन मूवी के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में आपको अनिरुद्ध का म्यूजिक भी देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ साउथ के बेस्ट विलेन स्टार विजय सेतुपति और एक्ट्रेस नयनतारा भी देखने को मिलने वाली हैं। अब आपको बता दें कि इस फिल्म में विजय सेतुपति विलन के रोल में दिखाई देने वाले हैं और साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति और दीपिका पादुकोण भी स्पेशल कैमरे में दिखाई देने वाले हैं। और आपको बता दें कि शाहरुख खान कई साल बाद इस फिल्म में डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की 3 सेकंड की फुटेज लीक हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया है और उसके अंदर शाहरुख खान बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म को गौरी खान प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कि ये फिल्म रेड चिलीज प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही है, जिसका मतलब साफ होता है कि भैया इस फिल्म में VFX की कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताइए।